वो रिवायत से बात करें, यहां एक सहाबी है हजरत साबित बिन कैस अंसारी रजी अल्लाह तआला, जो जंगे यमामा में शहीद हो गए। ऊंचा सुनते थे, हजरत साबित बिन कैस अंसारी ऊंचा सुनते थे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हजरत साबित बिन कैस अंसारी ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठना छोड़ दिया और घर में जाके बैठ गए। ऊंचा सुनते थे, और आप जानते हो जो ऊंचा सुनता है वो जब बोलता है तो तेज आवाज में बोलता है। अल्लाह अकबर, डर देखें, खौफ देखें अल्लाह का इन सहाबा के दिलों में। ये अल्लाह का खौफ ही तो था जो नबी की ताजीम करा रहा था, जो मुस्तफा जाने रहमत की ताजीम तौकीर और अदब व एहतराम जो कर रहे थे, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ ही तो था, अल्लाह का डर ही तो था। कितना खौफ, कितना डर, कितना तकवा इनके दिलों में। हजरत साबित बिन कैस अंसारी घर में जाके बैठ गए। बहुत दिन हो गए, एक दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस अंसारी की अदम मौजूदगी के बारे में दरियाफ्त फरमाया कि मैं सबको देखता हूं, मेरी महफिल में सारे लोग हैं, मगर साबित बिन कैस अंसारी नहीं दिख रहे। कहां है वो? तो हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने घर में बैठे हुए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाओ मालूम करो, दरियाफ्त करो, क्या वजह है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, मेरे पास क्यों नहीं बैठ रहे, मेरी महफिल में क्यों नहीं वो शरीक हो रहे, क्या बात है। तो हजरत साद साबित बिन कैस अंसारी के घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद मालूम किया, क्या मस्जिद नबी क्यों नहीं आते, बारगाह रिसालत में आप में हाजिर क्यों नहीं होते, आपने छोड़ दिया, आप घर बैठ गए, क्या बात है। कुर्बान जाओ, देखो अल्लाह का खौफ देखो, एक आज हम हैं आप हैं, जरा मुहासबा करें कि अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में कितना है। तो हजरत साबित बिन कैस अंसारी रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी ये आयत करीमा नाजिल हुई, तो ऐसा तुम जानते हो कि मेरी आवाज तुम में सबसे ज्यादा बुलंद है, भारी आवाज है। और जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो मैं डर की वजह से, खौफ की वजह से कि मैं तो अहले नार से हो गया, मैं तो जहन्नमी हो गया, यह सोचकर मैंने जाना छोड़ दिया कि मेरी आवाज तो ऊंची है, मैंने ये सोच के जाना छोड़ दिया कि मैं तो अहले नार से हो गया, अहले दोजख में से हो गया, मेरी आवाज बुलंद है इसलिए नहीं जा रहा कि मेरी आवाज ऊंची है। और अल्लाह ने तो अपने महबूब के लिए यह कानून बना दिया है कि मेरे महबूब की बारगाह में अपनी आवाज ऊंची करके बात मत करना, और मेरी आवाज ऊंची है, बुलंद आवाज है, इसलिए नहीं जा रहा। मैं तो समझता हूं कि मैं दोजख़ी हो गया, मेरा ठिकाना जहन्नम हो गया। तो हजरत साद बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होके यही बात बताते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित बिन कैस अंसारी ये कह रहे हैं कि जब से आयत करीमा नाजिल हुई तब से मैंने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं तो जहन्नमी हो गया, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मेरी आवाज बुलंद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया,
मेरे आका मुस्कुराए और हजरत साद से कहा, जाओ फिर जाओ और मेरी तरफ से जाके उन्हें बशारत दे दो, उन्हें खुशखबरी दे दो। साबित बिन कैस अंसारी को जाके बता दो कि ऐ साबित बिन कैस अंसारी, तुम जहन्नम वालों में से नहीं हो बल्कि जन्नत वालों में से हो। अल्लाह अकबर, तुम जहन्नम वालों में से नहीं हो जन्नत वालों में से हो। कितनी अजीम शख्सियत है हजरत साबित बिन कैस अंसारी की कि जिन्हें जीते जी दुनिया में ही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का परवाना अता फरमा दिया, जन्नत अता फरमा दी। कौन कहता है कि मेरे नबी मालिक व मुख्तार नहीं? कौन कहता है कि मेरे नबी के पास पावर नहीं? कौन कहता है मेरे पैगंबर के पास पावर और इख्तियार नहीं? पावर तो इतने हैं, पावर तो इतने, इख्तियारात तो इतने अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए कि अगर कुरान पढ़ोगे तो परतें खुलती चली जाएंगी, हदीसें पढ़ोगे तो परतें खुलती चली जाएंगी और मालूम होता चला जाएगा कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को निहायत ही आला इख्तियारात से नवाजा। कुछ लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, कि नबी को मालिक व मुख्तार नहीं कहा जा सकता, नबी मालिक व मुख्तार नहीं, उनके पास कोई पावर नहीं। यह हदीसे पाक पढ़ लें, देखें समझें कि नबी कितने पावर वाले हैं, नबी कितने मालिक व मुख्तार हैं। और फिर ये तो हदीस की बात है, अगर अक्ल से भी सोचोगे तो मालूम हो जाएगा कि नबी अकली तौर पर भी, ये तो रिवायतें हैं, ये तो कुरान की आयतें हैं, अकली तौर पर मालूम हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को निहायत ही पावरफुल बना के भेजा है।